शिष्य बनना बहुत आसान है। मैं बनाऊं शिष्य, मैंने अपने गुरुओं के गौरव को बढ़ाया। शिष्य बनना आसान, गुरु बनना कठिन। गुरु आचार्य ये बड़ा कठिन है। ये बड़ी बातें हैं, कुछ समझ में आती हैं बातें? सुन तो रहे हो, बोले अच्छी बात है आ गई। तो हमें तो अभी तक, अभी थोड़े दिन पहले आई थी आपको जल्दी आ गई। तो मुझे अच्छे गृहस्थ भी चाहिए, और उसके लिए हमने ये तय किया कि कुछ हमारे भाई आजीवन अविवाहित रह करके महान विद्वान बने, योगी बने, समर्थ सन्यासी बने। और एक थोड़ा व्यवहारिक धरातल पर हम बोलें तो वो मेरे जैसे बने, श्रद्धे गुरुदेव जैसे बने, श्रद्धे आचार्य भाषण जी जैसे बने, अपने इन वरिष्ठ ब्रह्मचारी भाई बहन जो यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, इस तरह के भाई बहन बने। और उसमें उनको व्यवहारिक दृष्टि से बोलो तो हमको हमारे समर्थ आध्यात्मिक उत्तराधिकारी भी तैयार करने इसी परंपरा में। बहुत से लोग इस बात को लेकर के परेशान रहते हैं, बाबा जी आपके बाद क्या, आपने तो इतना बड़ा ये सारा वैदिक संस्कृति का, अध्यात्म का, भारत के गौरव प्रतिष्ठा को बढ़ाने का कार्य कर दिया, आपके बाद क्या। तो मेरे बाद क्या, उसकी मैं तैयारी अभी से करने में लगा हुआ हूं। खोज चल रही है, पूरी होगी, हो रही है। तो इस प्रश्न का भी उत्तर मिल गया, मेरे बाद क्या। मेरे बाद आप हैं, जो मेरे बाईं तरफ बैठे हैं ये हैं, आप मेरे सामने बैठे हैं। वैसे आदमी एक चीज को जीत ले तो सारी दुनिया जीत सकता है। जितेंद्रिय हो जाए तो सारी दुनिया जीत ले। जितेंद्रियता बड़ा शब्द है। जितेंद्रिय पूरी दुनिया को जीत सकता है। और दुनिया में सबसे बड़ी विजय मानी जाती है हमारे यहां पर काम पर विजय। जो काम पर विजय पा लेता है वो पूरी दुनिया पर विजय पा सकता है। ये बड़ा शब्द है। कुछ नहीं है, ये तो आदमी की सोच है। मुझे ये नहीं करना तो नहीं करना, इसमें क्या है। लेकिन आदमी ना वेग में बह जाता है, समस्या है, वेग में बह जाता है। ये प्रश्न है। चलिए दूसरे, हमें ऐसे भी चाहिए जो पूर्णकालिक सेवा देने वाले हैं। ये तो आजीवन ब्रह्मचारी, तो ये तो पूर्णकालिक सेवा वाले हो गए। अंशकालिक सेवा उनको हम 5-7 वर्ष बढ़ाएंगे यहां। अब बीए करेगा, एमए करेगा, शास्त्रीय आचार्य करेगा, संस्कृत से, साहित्य से, दर्शन से। और योग वालों के लिए अभी ये व्यवस्था नहीं रखी है। योग वाले भी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ हम 5 तरह का सिलेबस अभी शुरू कर रहे हैं। और आने वाले समय में विश्वविद्यालयों को बहुत बड़ा विस्तार दे रहे हैं। अभी 5 सिलेबस हम शुरू कर रहे हैं, आगे शायद 50 तरह के पाठ्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ाए जाएंगे। अभी तो 5 ही तरह के पाठ्यक्रम हमने तय किए हैं, आगे 50 तरह के भी पाठ्यक्रम होंगे। फिर जो है कुछ को अंशकालिक छात्रवृत्ति भी देंगे। कुछ ऐसे भाई बहन जिनको जो है हम निशुल्क पढ़ाएंगे तो सही, लेकिन जितने साल वो पढ़ेंगे कम से कम उतने साल वो निशुल्क सेवा भी देंगे। फिर कुछ पूर्ण शुल्क दे करके पढ़ेंगे। और इसमें जो है 5 तरह का पाठ्यक्रम हमने आपके लिए बताया ही है कि एक तो योग से बीए एमए, संस्कृत से बीए एमए, व्याकरण से बीए एमए या
शास्त्रीय आचार्य, दर्शन से BA MA, उसको भी शास्त्रीय आचार्य का जो पूरा कोर्स है, और इसके अलावा हमने योग, संस्कृत, दर्शन, व्याकरण, और इसके अलावा एक हमने ये एक वर्ष का हम योग का तो डिप्लोमा देते ही थे पहले, अभी हमने पूरी दुनिया में अभी योग, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति के को जानने की जागरूकता बढ़ी है। तो कुछ लोग जो सर्विस सेक्टर में हैं, कुछ लोग कॉर्पोरेट फील्ड में हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, वो जानना चाहते हैं कि वास्तव में वैदिक धर्म दर्शन अध्यात्म संस्कृति है क्या, क्योंकि भारतीय धर्म दर्शन अध्यात्म संस्कृति के नाम पर बहुत तरह का पाखंड पूरी दुनिया में फैला हुआ है। तो वैदिक स्पिरिचुअल साइंस इसको करके एक वर्ष का हम ये जो सेवा भी देना चाहते हैं, लंबा नहीं पढ़ना चाहते, एक वर्ष तक ये जानना चाहते हैं कि अध्यात्म क्या है, तो उसके लिए एक डिप्लोमा भी हो जाएगा एक वर्ष का। ऐसे इसमें सबसे पहली बात है कि हम तीन तरह के ही जिनके अंदर क्षमताएं होंगी उनको लेंगे, अत्यंत तीव्र मेधा माने जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है, मेधा शक्ति की पराकाष्ठा, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, पुरुषार्थी, आलसी लोग नहीं आ पाएंगे हमारे यहां, और तीसरा जिनमें श्रद्धा की पराकाष्ठा है, अत्यंत प्रज्ञावान मस्तिष्क, अत्यंत पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य और अत्यंत निष्ठा, ये तीन सामर्थ्य होंगे, उन्हीं को हम पतंजलि विश्वविद्यालय में प्रवेश देंगे, और मुझे पूरा विश्वास है उससे हम एक नया इतिहास बनाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में, इस देश में और दुनिया में। क्योंकि मैंने देखा जिनमें दिव्यता नहीं होती है, जिनका जेनेटिक स्ट्रक्चर गड़बड़ है ना, उनके करैक्टर को बहुत अच्छा नहीं किया जा सकता। आजकल तो इसकी टेस्टिंग भी आने लग गई है, DNA टेस्ट कर लेते हैं। DNA टेस्ट में एक डॉक्टर हैं, वो आते हैं हमारे पास, तो वो चेक करते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी करते हैं, और उसमें एक ही है कि DNA का पता लगते हैं कि इसका DNA जो है वो लो क्वालिटी का है, मीडियम है, या बहुत हाई क्वालिटी का है। तो भाई मुझे हाई क्वालिटी वाले DNA चाहिए, अच्छे बीज चाहिए ना। मैं देखो, हम तो किसान हैं, मैं खेती अच्छी तभी होगी जब बीज अच्छे होंगे। जमीन बहुत उपजाऊ है पतंजलि योगपीठ के, पतंजलि विश्वविद्यालय की, वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम की, और आगे आचार्य कुलम बहुत बड़ा स्वरूप अभी चल रहा है, उसको पूरे विस्तार देंगे, लेकिन हम बीज अच्छे जरूर लेंगे। और आगे दुनिया में बहुत तरह के कार्य चल रहे हैं और हम भी कर रहे हैं, उसमें हमने कहा कि गायों की नस्ल सुधारने के साथ साथ आदमी की नस्ल सुधारने का काम यह बहुत बड़ा करना है। आदमी की नस्ल सुधारनी बहुत जरूरी है, बहुत गड़बड़ हो गया है। अच्छा देखो, आप लोग आम अच्छी क्वालिटी का चाहिए या घटिया क्वालिटी का? अच्छी क्वालिटी का आम चाहिए। अच्छी क्वालिटी की गाय भैंस चाहिए, घटिया क्वालिटी की? भेड़ बकरियां घोड़े गधे भी अच्छी क्वालिटी के चाहिए, कुत्ते भी अच्छे क्वालिटी के चाहिए। आजकल कुत्ते बिकते हैं एक लाख पांच लाख के, अच्छे क्वालिटी के कुत्ते चाहिए, अच्छे क्वालिटी के गधे घोड़े चाहिए, अच्छी क्वालिटी की चिड़िया चाहिए, अच्छे क्वालिटी के फल फ्रूट चाहिए, अच्छे क्वालिटी के अन्न चाहिए, शाक सब्जियां चाहिए। तो वह सब कुछ अच्छे क्वालिटी का चाहिए, तो अच्छी क्वालिटी का इंसान ये बहुत जरूरी है इस दुनिया के लिए, अच्छी नस्ल के आदमी बनाने हमें ये काम करना है। अभी मेरे से लोग बोलते हैं, बाबा जी आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बहुत जबरदस्त है हरिद्वार की। अरे मैंने कहा तुमने अभी एक ही यूनिट देखी है हमारी, ये अच्छे अच्छे प्रोडक्ट तो हम बना ही रहे हैं। सबसे बड़ा प्रोडक्ट है ह्यूमन प्रोडक्ट, वो भी हम बहुत अच्छा बना रहे हैं। तभी तो भजन गाते हैं ना, भगवान आरियों को ऐसी ही लगन लगा दे,
वैदिक धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे भगवान आर्यों को, ऐसी ही लगन लगा दे भगवान आर्य। फिर राम कृष्ण निकले घर घर गली गली से, अर्जुन व कर्ण जैसे योद्धा रणस्थली से, भीष्म से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणाद जैमिनी और ऋषिवर पतंजलि से, ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई दयानंद, हाँ फिर से कोई दयानंद, जैसा ऋषि दिखा दे फिर से कोई दयानंद, जैसा ऋषि दिखा दे भगवान हरियों को, जिसके लिए इस देश की माएं गोद में लाल खिलाएं, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है, पाले पोषे कष्ट उठाएं अपना दूध पिलाएं, समय वो आ गया है, समय वो आ गया है। तो ऐसे भाई बहनों को हमने बुलाया है जो ये अपना कर्तव्य निभा सके, तो निभाओगे? बोल बाबा जी, जब आप बोलते हो ना तो ऐसा लगता है दुनिया बदल देंगे, लेकिन बोले बाबा जी फ्री हमारी फ्रीक्वेंसी नीचे क्यों आ जाती है? होल में रहते हो तो तुम्हारी फ्रीक्वेंसी रहती है 100 पे, फिर बाहर निकलते निकलते 90, कमरे में जाते जाते 80, और सोने के बाद में वो 50 पे आ जाती है। एक बार जो फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, अरे मोबाइल के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी सेट कर देती है उसी नंबर की घंटी उस पर बजती है, दूसरी की नहीं बजती, कभी कभी भूल चूक से बज जाती है। मोबाइल की फ्रीक्वेंसी एक बार सेट कर देते हो तो जड़ है, आज से तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है, गुरु के साथ ही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मिली रहनी चाहिए। भगवान के साथ ही तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मिली रहनी चाहिए। अरे कहां से फिर ये फ्रीक्वेंसी गड़बड़ हो जाती है। उद्यानम ते पुरुष नावयानम, मनुष्य तुझे भगवान ने ऊंचा उठने के लिए बनाया, नीचा गिरने के लिए नहीं। गीता का एक श्लोक पढ़ो, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्य गुण वृत्तिस्थाः अधो गच्छन्ति तामसा। नीचे तमस जाते हैं, बीच में रजस वाले ठहर जाते हैं, ऊपर तो सत्व वाले उठते हैं। उठो, आपको उठने के लिए बुलाया, आप उठे हुए हैं, जगे हुए हैं। इसमें जिनका संस्कृत का बैकग्राउंड नहीं है उनको एक ब्रिज कोर्स करा देंगे, 3 महीने का होता है वो पढ़ते पढ़ते ही हो जाएगा साथ साथ। इसलिए जिनका संस्कृत का बैकग्राउंड नहीं है उनको भी विद्वान बना देंगे। फिर आगे तो बहुत कुछ होगा, जो है हम 3 बड़े कार्य करने वाले हैं शिक्षा के क्षेत्र में। एक तो 5वीं कक्षा से ही वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम आगे शुरू करने वाले हैं। हमारे अभी विद्वान तैयार हो जाएंगे तो एक एक विद्वान को एक एक गुरुकुल सौंपने वाले हैं हम। 5वीं कक्षा से ही संस्कृत बैकग्राउंड से ही उन संस्कृत को प्रधान विषय लेकर के गुरुकुल चलेंगे, वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम। फिर आज आचार्य कुलम, ये मॉडर्न एजुकेशन को इसमें प्रधानता रहेगी, इसको इसमें जैसे CBSE या और वर्ल्ड के जो तमाम बोर्ड हैं बड़े बड़े, माने वर्ल्ड का लेटेस्ट मॉडर्न एजुकेशन और इसमें साथ साथ में वैदिक एजुकेशन, ये पहला प्रयोग होगा पूरी दुनिया में। तो एक विशुद्ध रूप से संस्कृत का प्रयोग, दूसरा विशुद्ध रूप से आध्यात्मिकता के साथ आधुनिकता का प्रयोग, और तीसरा फिर विश्वविद्यालय का प्रयोग। एक विश्वविद्यालय अभी यहां है, दूसरा विश्वविद्यालय दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय भी पतंजलि योगपीठ के द्वारा बनाया जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय। इस तरह से शिक्षा के बारे में बड़े प्रयोग होंगे और उसमें
आप सबकी एक बड़ी भूमिका की हमें आवश्यकता होगी। ये मैंने पतंजलि योगपीठ के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में जो एजुकेशनल सर्विस चल रही हैं उसके संदर्भ में थोड़ा संकेत मैंने दिया, जैसे कि हमारे देश के युवक और युवतियाँ और देश के वो भाई बहन जो चाहते हैं कि भारत दोबारा से ऋषियों का देश बने, वैदिक युग की पुनः प्रतिष्ठा हो, ऋषि युग फिर से लौटे, देव संस्कृति, ऋषि संस्कृति, वैदिक ज्ञान परंपरा की पुनः प्रतिष्ठा हो, भारत फिर से जगतगुरु विश्व गुरु बने, परम वैभवशाली बने, आध्यात्मिक आर्थिक दृष्टि से पूरे विश्व का नेतृत्व करे, जिनके दिल में ये संकल्प है कि चारों तरफ आध्यात्मिकता हो, दिव्यता हो। मैंने कहा ना, आध्यात्मिक व्यक्ति, आध्यात्मिक परिवार, समाज, राष्ट्र और आध्यात्मिक विश्व, ये बहुत बड़ा सपना है। स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल इंडिया एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये बहुत बड़ा सपना है। ये इस सपने को साकार करने के लिए जो भी आत्माएं संकल्पित हैं उन सब का हम पतंजलि योगपीठ में आमंत्रण देते हैं, वो आए और इस अभियान में अपनी अपनी भूमिका निभाएं। पढ़ने वाले भी अपनी भूमिका निभाएं और कुछ तैयार होंगे ऐसे विद्वान भी, उनको भी हम आमंत्रित करते हैं। विद्वानों की भी हमें आवश्यकता है, लेकिन समस्या ये है आजकल आध्यात्मिक विद्वानों का भी अभाव सा हो गया है। ये सबसे बड़ा क्राइसिस और चैलेंज है इस समय हमारे सामने। हाँ, सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा संकट, संकट को क्राइसिस बोलते हैं अंग्रेजी में और चुनौती को बोलते हैं चैलेंज। सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे बड़ा क्राइसिस इस समय यह है कि वैदिक विद्वान, आध्यात्मिक विद्वान, आध्यात्मिक वैदिक विद्वान, संस्कृत के विद्वान, इनका एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। मैं कई बार विनोद भी कहता हूँ, ये लुप्त होती प्रजाति हो गई थी, थोड़े से लोग मिल रहे थे, लेकिन अब हम हजारों की संख्या में तैयार कर देंगे। 20 तो मिल गए हमको आजकल। वो 20 से क्या करते हैं, वो छोटे छोटे आजकल ना, जैसे एक एक किसी भी जो है पेड़ पौधे का कोई नहीं मिल रहा तो एक एक पत्ता लिया और उसी से ही फिर उस टिश्यू कल्चर, बाकी तो क्लोनिंग फ्लोनिंग तो बहुत सुना है सब। टिश्यू कल्चर क्या होता है, एक एक पत्ता मिल गया और उसी से ही फिर हजारों पेड़ तैयार कर देते हैं, हजारों पौधे तैयार कर देते हैं। तो हम टिश्यू कल्चर से अब नए विद्वान तैयार करेंगे। मरे थोड़े से तो हैं बीज के, अब उनको विस्तार दे देंगे। बस ऐसे प्रामाणिक वैदिक आध्यात्मिक विद्वान और ऐसे प्रामाणिक आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए संकल्पित आत्माएं पतंजलि योगपीठ में आए, आप और हम मिल करके एक आध्यात्मिक विश्व का निर्माण बहुत थोड़े ही कालखंड में हम कर पाएंगे।